तुम लोग 200 रन तक तो बना लोगे ना, एटलीस्ट आराम से। और क्या हाल है आरसीबी फैंस, क्या कहते हो अगले साल कप नम दे? एक मैच लगा भाई, सिर्फ एक मैच हम आरसीबी फैंस को अपनी औकात में वापस आने के लिए। इससे ज्यादा तो आजकल के निब्बा निब्बी के रिलेशन चल जाते हैं। नहीं लास्ट मैच में जितनी मेहनत करी थी ना, कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल दिया था आरसीबी ने, तो उसका हिसाब बराबर करने के लिए इस मैच में उतने ही बेहतरीन तरीके से हगा है। सर, ये तो टट्टी है। और ये आरसीबी का हर साल का है भाई, एक मैच में ऐसा रायता फैलाएंगे ना, पूरा आईपीएल निकल जाएगा उसे समेटने में। अब इस मैच में ही देख लो, अच्छा खासा पॉजिटिव में रन रेट था, नेगेटिव कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भाई, किसी और टीम से हारते ना एक बार को समझ भी आता है, लेकिन भाई केकेआर से हार गए, केकेआर से। वो खुद अधमरी टीम है भाई, ना तो उनकी बैटिंग का पता है ना बॉलिंग का। एक टाइम पे केकेआर का स्कोर 80-90 के आसपास था और 5 विकेट गिर गए थे, और उसमें से रसल आउट, वो भी गोल्डन डक पे, फिर ये हगाए। आरसीबी फैंस को रात को नींद नहीं आई भाई, और आधे तो अभी भी सदमे में है। आरसीबी का मंत्र है प्ले बोल्ड, मतलब कुछ अलग करो, हटके करो, अग्रेसिव खेलो। इसका मतलब ये नहीं भाई सारे बॉल डंडे पे खा लो और बोल्ड हो जाओ। बताओ यार, ये सरोजनी नगर का नीरज चोपड़ा, ये 3 विकेट ले गया यार, हद है, मतलब इसको कोई जानता भी नहीं है। और ये वरुण चक्रवर्ती विकेट लेने के बाद ऐसा रिएक्शन दे रहा है जैसे इसका करियर आरसीबी ने बिगाड़ा हो। भाई, इंडियन टीम का कैप्टन MI में है, उनसे जाके बदला लेना, आरसीबी ने क्या बिगाड़ा। भाई जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भगवान को याद। KKR ने भी वही करा इस मैच में, और वैसे ही आते हैं लॉर्ड शार्दुल, आते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लीला दिखाते हैं और KKR को मैच जिता के चले जाते हैं। आरसीबी का मैच हो और आरसीबी ने इतना बेहतरीन तरीके से हगाओ, उसके बाद मीम्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलते हैं ना सीधा मीम्स रिव्यू की तरफ, लगता है पूरी टीम को ही मंदिर लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म का क्या है, आती जाती रहेंगी, पर हार्ट ब्रेक नहीं रुकना चाहिए। इफ 2 पल की खुशी हैड अ फेस। आरसीबीएन कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लॉर्ड ठाकुर, लॉर्ड रिंकू, लॉर्ड उमेश, KKR एक ही टीम में 3-3 लॉर्ड खिलाने का घमंड है। KKR यूजिंग नीरज चोपड़ा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, क्लास इज टेम्पररी, फॉर्म इज परमानेंट। लगता है इनकी शादी इस साल भी नहीं होने वाली। आरसीबी रियल आईडी से आ गई। आरसीबीएन पता है हम मैच कहाँ रहे, आकाश चोपड़ा की प्रेडिक्शन, जियो सिनेमा, आरसीबी देखा मेरी टीम को हराने का नतीजा। भाई ये तो ट्रोल कर दिया यार सच में। विराट कोहली एंड आरसीबी, इफ डेथ अवर डज नॉट एग्जिस्ट। रसल दिख रहा है, हाँ आउट कर दिया, नहीं करना था। MBA चाय वाला, ये IPL का क्रेज है या फिर विराट कोहली का एक्शन रिएक्शन। अरे भाई माफ कर दे यार, बड़ी मुश्किल से फॉर्म आई है। अथापी और वथापी दो देते हैं भाई थे, बहुत मारा भाई। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।